अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अदील डोगर फ्राम यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क। डियर व्यूअर्स, आज हम आपको दिखाने आए हैं 10 मरला का एलिगेंट घर। जैसा कि आप जानते हैं, 10 मरला बहरिया टाउन के अंदर जो घर हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। लाइक 5 मरला की बात की जाए तो उनकी प्राइस भी डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। उसकी वजह है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्लॉट की प्राइस और ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर देखना पड़ता है। इस टाइम हम मौजूद हैं जेनिपर ब्लॉक सेक्टर सी। लोकेशन मैं बताता चलूँ, लोकेशन बहुत प्यारी है, ग्रैंड जामिया मस्जिद के पास, बीकन ऑफ स्कूल के पास, रोज़ गार्डन पार्क इसके पास है। उसके अलावा इसकी दूसरी इस ब्लॉक के अंदर और पार्क, दो पार्क इसके अंदर मौजूद हैं। मस्जिद पास है वॉकिंग डिस्टेंस पे, स्कूल पास है वॉकिंग डिस्टेंस पे। उसके अलावा बात की जाए इस घर की, ये 10 मरला का घर है और इसकी डिमेंशन जो है वो 35x65 है। और इसकी अकोमोडेशन बताता चलो, इसके अंदर 5 बेडरूम है, डबल किचन है, इसके अंदर डबल ड्राइंग रूम है विद सर्वेंट क्वार्टर। एलिवेशन आप देख सकते हैं इसकी, आप एलिवेशन देखें या फ्रंट एलिवेशन देख सकते हैं। टाइल का इस्तेमाल किया गया, उसके साथ जो है इसका जो डोर है, मेन डोर जो मेन गेट है इसका, ब्लैक उसमें शेड दिया गया। और इस घर की एक एक चीज़ ए प्लस क्वालिटी, अच्छा घर, लोकेशन अच्छी, प्राइस अच्छी। तो आइए हम अब आपको इसका अंदर से टूर करवाते हैं। ये इसका कार पोर्च है, आप देख सकते हैं कार पोर्च जो है, यहाँ पे दो गाड़ियाँ जो है इजीली खड़ी हो सकती हैं। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं इसकी नीचे हैं और यहाँ पे आर्टिफिशियल घास लगा दिया गया, उसके अंदर पौधे लगा दिए हैं। और लाइट का आप इस्तेमाल देख सकते हैं, लाइट जो है कलर कम्बिनेशन। उसके अलावा टाइल का बात की जाए तो यहाँ पर टाइल भी इसके साथ ओवरऑल कंट्रास्ट जो है बड़ा अच्छा किया गया। और ये सिटिंग एरिया, यहाँ पे आप एक गाड़ी इधर लगा सकते हैं या बैठना चाहते हैं तो इधर फैमिली के साथ बैठ भी सकते हैं। और यहाँ पे भी आर्टिफिशियल ग्रास का इस्तेमाल किया गया है। ये सामने फ्रंट पे ग्रिल है, आप पॉइंट से देख सकते हैं इसको। ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से आप देख सकते हैं। इसकी एंट्रेंस सेपरेट है, अगर फैमिली, दो फैमिली को रहना चाहते हैं, आप रेंट आउट करना चाहते हैं इस घर को, तो आपको यहाँ पे इसकी रेंटल इनकम अच्छी मिलती है। ये पोर्शन वाइज भी रेंट आउट हो सकता है। ये सीढ़ी ऊपर जा रही है स्टेयर और ये मेन लॉबी है, ये आप देख सकते हैं बड़ी प्यारी। यहाँ पर लगा दिया गया है लाइट, उसके साथ ये फर्स्ट फ्लोर की तरफ लाइट जा रही है, फर्स्ट फ्लोर से सीढ़ी ऊपर जा रही है और नीचे जो है ये बोर्ड रूम दिया गया है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये इसका ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग रूम, बड़ा प्यारा ड्राइंग रूम है। सामने फायरप्लेस आप देख सकते हैं और ये सीलिंग। ये आप देख सकते हैं इसका बीच में से डोर लगाया गया है, स्लाइड डोर। ड्राइंग रूम और टीवी लॉन जो है सेपरेट है। ये इसका टाइल देख सकते हैं और ये दूसरे एंगल से मैं आपको इसकी फाल सीलिंग दिखाना चाह रहा हूँ। ये इसकी दूसरे एंगल से फाल सीलिंग। और ये इसका टीवी लॉन्च है, सामने आप देख सकते हैं जो है ये एलईडी पॉइंट, उसके साथ ये बड़ी खूबसूरत निश यहाँ पर दी गई है, फबील अरबी गुमा तकजीबान के साथ। सामने नीचे आप दो बेडरूम देख सकते हैं, ये आप इसका देख सकते हैं, ये बड़ा प्यारा फनूस दिया गया यहाँ पे। लेफ्ट साइड पे आपको दिखाई देगा यहाँ पे किचन, काफ़ी प्यारा किचन है। इसकी कवर कम्बिनेशन आप देख सकते हैं, इसके साथ लाइट का आप देख सकते हैं, फाल सीलिंग का। उसके साथ जो है ये हुड है, चूल्हा आ गया। उसके साथ इसकी कबर्ड, टाइल, सिंक आप देख सकते हैं इसका। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ इसके अंदर एडजस्ट कर दिया गया है। के साथ यहाँ पे ये मास्टर बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का, इसके अंदर आप डोर, उसके साथ वार्डरोब और फ्रंट पे आपको इसका ये दिखाई देगा बेडरूम। पंखा इंस्टॉल किया गया,
फाल सीलिंग, उसके साथ लेफ्ट साइड पे जो है इसकी आपको ग्रिल मिलती है। सामने जो है इसकी मीडिया वाल आपको नज़र आती है इसकी, ये बेडरूम के अंदर है। मैं भी दूसरे एंगल से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और ये इसका है जी वॉशरूम, सामने वेंटी, बड़ी खूबसूरत वेंटी लगाई गई यहाँ पे गोल्डन कलर की। उसके साथ आपको मिलता है शावर, और जो आप पसंद करते हैं हर घर के अंदर होना चाहिए, बच्चों की पसंद बड़ों की पसंद, आपको मिलती है यहाँ पे जकूजी, बहुत बड़ी आपको जकूजी यहाँ पे मिलती है। उसके साथ कमोड, ये इसका ग्राउंड फ्लोर का सेकंड बेडरूम है। आप इसकी फ्लोर देख सकते हैं, टाइल देख सकते हैं, उसके साथ इसकी जो है बेडरूम का साइज़ काफ़ी बड़ा है, अच्छा है, खुला खुला है, और इसकी फॉल सीलिंग देख सकते हैं। जितना भी कलर कम्बिनेशन है यहाँ पे कंट्रास्ट बड़ा अच्छा हुआ है। टाइल की बात की जाए, वॉलपेपर की बात की जाए, उसके अलावा वार्डरोब की बात की जाए, इसका कलर कम्बिनेशन जो है बहुत अच्छा है, यूनिक है, अच्छा बना दिया गया है। उसके साथ जो है इसकी बैक स्पेस जो विंडो है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर घर के अंदर सिक्योरिटी अलार्म इंस्टॉल किया जाता है जब आप परचेज़ करते हैं, ताकि कोई भी इशू ना आए, लाइक सिक्योरिटी के वाले से और भी ईच एंड एवरीथिंग जितने भी मसले मसाइल होते हैं। ये भी हम जा रहे हैं इसका जो वॉशरूम है, सामने वेंटी आप देख सकते हैं इसकी गोल्ड कलर की, बड़ी प्यारी वेंटी लगाएगी यहाँ पे। उसके साथ वॉशरूम का कंपाउंड, और इसमें सेपरेशन की गई है, आप शावर लेते हैं तो यहाँ पे सेपरेट इसको कर दिया गया है। ये भी आपको मैं दूसरे एंगल से दिखाना चाह रहा हूँ, आप इसका पूरा व्यू देख सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं जी इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जहाँ पे आपको मिलेंगे 3 बेडरूम, सिंगल किचन, और प्लस आपको टीवी लाउंज। स्टेयर आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेनाइट यूज़ किया गया है, ब्लैक, और उसके साथ आप देख सकते हैं फ्रंट में जब आप एंटर होते हैं स्टेयर के ऊपर ही आपको निश बड़ी दिखाई देती है, जिसमें ग्लास और वुड का काम किया गया है। और लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं जी मेरे ये देखें, साइड पर जो ग्रिल लगाई गई है ये इसका वुड की है, सॉलिड है और काफ़ी मज़बूत है, यहाँ पे कोई इशू नहीं। दूसरे एंगल से दिखाना चाह रहा हूँ मैं ऊपर से आपको, जब आप स्टेयर ऊपर आते हैं तो ये बड़े इजी स्टेप हैं यहाँ पे, और फ्रंट पे भी आपको ग्रिल नज़र आएगी यहाँ पे। और उसके साथ ये बड़ा खूबसूरत नीचे ब्लैक के साथ ब्लैक कम्बिनेशन। राइट साइड पे जाते हैं तो आपको टेरेस मिलता है, और फ्रंट पे बिल्कुल आपको वुड का काम नज़र आता है, लॉबी देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत। और उसके साथ अभी हम आ गए हैं जी फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे आपको मैंने बोला था टीवी लाउंज, ड्राइंग, डबल ट्रिपल जो है बेडरूम, किचन, आप इसका टाइल का काम देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे जाएं तो आपको किचन मिलता है इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, काफ़ी बड़ा किचन है, लाइट बड़ी प्यारी लगा दी गई है, फाल सीलिंग का काम अच्छा हुआ है। उसके अलावा कबर्ड का काम बात की जाए तो कबर्ड भी अच्छी, कलर कम्बिनेशन मैंने मेन चीज़ की थी, यहाँ पे कलर कम्बिनेशन बहुत प्यारा है इस घर के अंदर। जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, लाइट की बात की जाए, हुड की बात की जाए, कबर्ड की बात की जाए, लकड़ी की बात की जाए, तो एक एक चीज़ जितनी भी है बहुत अच्छी लगा दी गई है। इसकी वेंटी आप देख सकते हैं, शावर है, और ये दूसरे एंगल से आप देख लें, ये है जी इसका टीवी लाउंज। जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको टीवी लाउंज नज़र आता है, उसके अंदर आपको फनूस, दो पंखे, और छत पे फॉल सीलिंग लाइट, और सामने आपको फायरप्लेस और मीडिया वाल। उसके साथ राइट साइड पे आपको फ्रंट पे एक बेडरूम नज़र आएगा, और ये है जी मास्टर बेड के साथ, ऊपर नीचे वाला ड्राइंग रूम के ऊपर ये बेडरूम है। आप फॉल सीलिंग देख सकते हैं इसकी, कलर कम्बिनेशन, वुड का काम किया गया यहाँ पे, और वॉलपेपर इस रूम में नहीं यूज़ किया गया, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको वुड नज़र आती है। ये देख सकते हैं इसकी वार्डरोब, बेहतरीन, सॉलिड और अच्छी वार्डरोब।
और ये इस बेडरूम का वॉशरूम। बाथरूम आप देख सकते हैं, वेंटी यहाँ पे वाइट कलर की इस्तेमाल की गई और टाइल यहाँ पे लगा दी गई ऊपर तक, ताकि सीलिंग का लाइक जिसे सीपेज कहते हैं उसका मसला ना हो। और जितने भी यहाँ पे कंबोर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, यहाँ पे पोर्टा के इस्तेमाल किए गए, ये आप देख सकते हैं पोर्टा का कंबोर्ड इस्तेमाल किया गया इस जगह पे। उसके साथ अभी हम जा रहे हैं जिसके 3 बेडरूम हो गए, जिसके 2 बेडरूम हैं लाइट और लेफ्ट साइड से आप देख सकते हैं। जब हम जा रहे हैं जिसके 4th बेडरूम में, ये आप देख सकते हैं इसका 4 बेडरूम। सामने जो है आपको विंडो दिखाई देगी, उसके साथ 2 लाइट और ये फाल सीलिंग और 7 पंखे और ये इसकी मीडिया वॉल। और ये लेफ्ट साइड पे वार्डरोब। दूसरे एंगल से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इसकी वार्डरोब, ये इसकी बिड़िया वाल और ये इसका वॉल सीलिंग। ये इसका वॉशरूम है, इसके अंदर आपको वेंटी और कलर की नज़र आएगी बड़ी खूबसूरत। उसके साथ आपको यहाँ पे सेपरेशन मिलती है, आप वॉशरूम यूज़ करते हैं लाइक इसमें यहाँ पे शावर के लिए, और उसके लिए आपको यहाँ पे सेपरेशन कर दी गई है। उसके साथ कंपाउंड, इसका जी बेडरूम नंबर 5, जहाँ पे आपको हर बेडरूम में मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी, लाइक वॉलपेपर की बात की जाए, उसके अलावा पंखों की बात की जाए वो तो सेम ही हैं, बाकी इसके ज़्यादा फॉल सीलिंग ओवरऑल डिज़ाइन जो आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा, वॉलपेपर मुख्तलिफ नज़र आएंगे और यहाँ पे वेंटी मुख्तलिफ आपको नज़र आएगी और वार्डरोब आपको सेम ही नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी खूबसूरती है और अच्छी चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं। ये बैक स्पेस विंडो, उसके अलावा ये इसका वॉशरूम आप देख सकते हैं, देखें टाइल फ्लोरिंग और ये वेंटी, उसके अलावा ये भी आपको सेपरेट नज़र आएगा यहाँ पे वॉशरूम भी। टाइल जो मैंने आपको बताई थी ओवरऑल पूरी लगा दी गई यहाँ पे। और इसके अंदर 5 बेडरूम, जैसे मैंने बताया डबल किचन है, लोकेशन इसकी अच्छी है, बड़ा खूबसूरत घर है, आपको एक एक चीज़ नज़र जो आएगी अच्छी क्वालिटी की नज़र आएगी, चीज़ें जितनी भी हैं A+ क्वालिटी की लगाई गई हैं। और उसके साथ जो है यहाँ पे स्टेज की बात की जाए, बड़े इजी स्टेप हैं इसके, और ये जो है ऊपर जा रहा है ऊपर वाले फ्लोर की तरफ 2nd फ्लोर पे, यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको लाइक सर्वर क्वार्टर मिलता है, जैसे कि बायलाज के मुताबिक हर घर में आपको नज़र आएगा। और उसके साथ साथ जो है इसके साथ अगर आप जाएं टेरेस पे, इसका मेन टेरेस आप देख सकते हैं, ओवरऑल बैक फ्रंट से सारा कवर किया गया यहाँ पे इसको, और ऊपर आप देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइन किया गया इस घर को। लोकेशन की बात की जाए, जैसे कि मैं बता चुका हूँ बार बार, लोकेशन अच्छी है, साथ सारे घर बने हुए हैं। और मटेरियल की बात की जाए तो सारा मटेरियल A+ क्वालिटी का, ये साथ सारे घर हैं। बैक स्पेस विंडो, और उसके साथ बैक स्पेस के लिए फ्रंट पे देख सकते हैं आप, और सामने भी घर हैं, राइट और लेफ्ट साइड पे दोनों जगह पे घर हैं, सारे आपको नज़र आ रहे होंगे इस जगह पे। अभी थोड़ा सा अंधेरा हुआ तो उसकी वजह से आपको कुछ इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा होगा, ये देख सकते हैं सामने भी घर हैं इसके। और उसके सामने बिल्कुल अगर बात की जाए से पार्क है, स्कूल पास है यहाँ पर, ईच एंड एवरीथिंग इसके पास है जी। आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जितनी मोर अपडेट्स वीडियो आपके पास बार वक्त पहुंच सकें। इस घर की जो डिमांड है वो 3 करोड़ 10 लाख डिमांड है, आप जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी घर के अंदर शिफ्ट होंगे। और लोकेशन अच्छी, जैसे कि बार बार बता चुका हूँ, घर अच्छा डिज़ाइनर किया गया, और लोकेशन के हिसाब से बात की जाए तो इस जगह पर कोई भी इस टाइम इतने में घर नहीं आपको मिलेगा। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने होस्ट आदिल लोगों को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।